नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे और चावल के पापड़ को हम भाप से पकाकर बनाएंगे। ये चावल के पापड़ बहुत जल्द आसानी से बन जाते हैं, तो आइए चावल के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। ये हमने एक कप चावल का आटा लिया है, एक दो टेबलस्पून तेल ले लेंगे, आधा छोटी चम्मच नमक और एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का घोल बना करके तैयार करेंगे। चावल के आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। इस चावल के आटे का हमने पतला घोल बना लिया है। एक कप चावल का आटा लिया था और दो कप पानी इसमें डाला है और ये एकदम स्मूथ अच्छा घोल बना लिया, बिल्कुल गुठलियाँ नहीं है। और अब हम इसमें ये जीरा और नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा घोल बन गया है और इसे हमें 10 मिनट के लिए रख देंगे। और इधर हम गैस ऑन कर देते हैं। ये हमने कोई भी एक ऐसा बर्तन ले लिया जिसके ऊपर कि हमारी ये प्लेट अच्छे तरीके से ढकने में आ जाए, क्योंकि चावल के पापड़ हमें भाप में पकाने हैं। तो इसी प्लेट में हम बैटर डालेंगे और इस बर्तन के ऊपर रख करके पकाएंगे। तो ये बर्तन हमने लिया है, इसमें हमने दो कप पानी डाल लिया है और पानी को उबलने रख देते हैं। तो पानी को हम ढक करके उबलने रख देंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाएगा। पानी में उबाल आ गया है, तो ये जो प्लेट लिए हमने इनमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को बिल्कुल चारों तरफ अच्छे से लगा करके प्लेट में प्लेट को चिकना कर लेंगे। और अब हम ये घोल चमचे से चला लें, क्योंकि चावल नीचे जा कर के बैठ जाते हैं और ऊपर पानी जैसा आ जाता है, तो हम इसको चमचे से चला लें। और अब हम इस घोल को प्लेट में डालेंगे। तो एक डेढ़ चमचा घोल हमने इस प्लेट में डाल दिया और बिल्कुल एक जैसा फैला लिया। और अब हम इस प्लेट को जो पानी हमारा उबल रहा है उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें इस पापड़ को भाप में पकाना है। और दूसरे इस बर्तन से हम इसे ढक देंगे और गैस इतनी रखेंगे मीडियम कि पानी में भाप बनती रहे। और दो मिनट हम घड़ी से देख लें, दो मिनट हम इसे पका लेते हैं, फिर चेक करते हैं। ये दो मिनट में हम पापड़ को चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो गया है और ये हमारा भाप में पापड़ सिक करके तैयार हो गया है। तो हम ये प्लेट इसके ऊपर से उतार लेंगे और इस पापड़ को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब हम इसे सुखाने के लिए डालेंगे। इसको हम सुखाने के लिए इस तरीके से कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर एक पॉलीथीन की सीट बिछा करके उसके ऊपर पापड़ सुखाने के लिए डाल देंगे, या हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर भी पापड़ सुखा सकते हैं। ये पापड़ हमने भाप में पका लिया है और अब हम इसे सूखने के लिए डालेंगे। तो चाकू का थोड़ा सा किनारे पे हम सहारा ले लेंगे इस तरीके से और अब पापड़ को ईजीली हाथ से प्लेट पर से हटा करके और सूखने के लिए डाल दें। ये दूसरा पापड़ भी हम इसी तरीके से बिल्कुल बनाएंगे कि प्लेट को हम पोंछ करके साफ़ कर लेंगे। अगर पहले से थोड़ा बैटर चिपका रह गया है तो तेल डाल करके चिकना करेंगे और बैटर को एक बार चमचे से चला लेंगे और वही एक से डेढ़ चमचा, मतलब करीब दो टेबल स्पून बैटर हम प्लेट के ऊपर डाल दें और एक जैसा करके पकने के लिए बर्तन के ऊपर रख दें। इसे ढक करके पकने देते हैं। ये पापड़ हमारा भाप में पककर तैयार हो गया है। पके हुए पापड़ का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैसे बैटर वाइट दिख रहा है लेकिन पकने के बाद हल्का सा कलर चेंज होके यानी कि डार्क होने लगता है। तो ये पापड़ हमारा पक गया है। अगर पापड़ पूरी तरीके से भाप में नहीं पकेगा तो एक तो वो प्लेट से निकलेगा नहीं और दूसरा अगर निकल भी जाए और आप सुखा दें तो वो चटक जाएगा।
तो हमें पापड़ को पूरी तरीके से पका जरूर लेना है। और पापड़ हमारा 2 से लेकर के 3 मिनट के अंदर में पक जाता है। ये पापड़ हमारा पक गया है, इसे हम उतार लेंगे। और दूसरा पापड़ जो हमने प्लेट पर बैटर फैला के रखा है, पकने के लिए बर्तन के ऊपर रख देंगे, ढक देंगे। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम प्लेट से उतार लेंगे। सारे पापड़ हमें इसी तरीके से बना करके भाप में पका करके और कपड़े के ऊपर फैलाने हैं। तो इसे हम धूप में डायरेक्ट बिछा लें या फिर हम यहाँ से किचन से आराम से उठा करके इसे कपड़े को धूप में रख करके आ सकते हैं, क्योंकि पापड़ को सुखाने के लिए धूप तो चाहिए ही। ये सारे पापड़ हमने बना करके तैयार कर लिए हैं और 1 कप चावल के आटे में ये 12 पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। और अब हम इन्हें सुखाने के लिए धूप में रख देंगे। हर 2-2 घंटे बाद हम पापड़ को इस तरीके से जा करके पलटते रहेंगे। बड़ी आसानी से ये पापड़ पलट जाते हैं। अगर इन पापड़ को हम नहीं पलटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से इस तरीके से मुड़ मुड़ के तैयार हो जाएंगे। और अगर इन्हें 2-2 घंटे में पलटते रहेंगे तो पापड़ थोड़े से सीधे बनेंगे। तो ये पापड़ हम सुखाने के लिए रख देते हैं। और जब पापड़ हमारे अच्छे तरीके से सूख जाएंगे तब हम इन्हें तल करके खाएंगे। पापड़ को सूखने में 1 से 2 दिन की धूप लग जाती है, यानी आज ही हमारे पापड़ काफ़ी हद तक सूख जाएंगे, लेकिन कल दूसरे दिन की धूप में इन्हें फिर से रखना होगा, तब हमारे ये पापड़ अच्छे तरीके से सूख करके तैयार होंगे। ये पापड़ हमारे सूख करके तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें तल करके खा सकते हैं। कढ़ाई में तेल डाल करके गरम करेंगे और पापड़ तल लेंगे। तेल गरम हो गया है और हमें पापड़ तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए, तो अभी हम तेल में पापड़ डालते हैं। ये पापड़ हमने तल करके तैयार कर लिए हैं और पापड़ में हमने नमक और जीरा डाला था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल करके छिड़क दीजिए। पापड़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पापड़ को जब गैस पर पका रहे होंगे तो पूरा ध्यान रखना है कि पापड़ अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए, सारी ओर से उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। अगर पापड़ पूरे तरीके से नहीं पका होगा तो उसे प्लेट से निकालना मुश्किल है, प्लेट से निकालते वक्त वो पूरा टूट जाएगा। दूसरी चीज़, पापड़ हमने अच्छे से पका लिया है, नीचे प्लेट रख ली पका करके, अब हमें उसको पॉलीथीन पेपर के ऊपर सुखाने के लिए डालना है। तो इस समय हमको ध्यान रखना है कि पापड़ थोड़ा ठंडा हो जाए, तभी पापड़ प्लेट के ऊपर से निकल पाएगा। अगर गरम गरम उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो भी पापड़ प्लेट से निकालते समय टूट जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से चावल के पापड़ बनाए जा सकते हैं। आप चावल के पापड़ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।